तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। दुर्गेश गिर गया। ब्यूटीफुल। ये नज़ारा तो देखा ही नहीं। उसके 3 या 4 दिन के बाद आईडी एक्सप्लोजन किया टेररिस्ट ने। एक गुरखा यूनिट थे जिन्होंने 30 या 35 टेररिस्ट एक साथ मारे थे, तो उन लोगों ने उसका बदला लेने के लिए शायद लगाया हुआ था आईडी। तो पूरी बस जो है ऐसे ऐसी होगी। बस में ऊपर 2 लोग बैठे होते हैं LMG लाइट मशीन गन लेकर के, एक का मुँह इधर को होता है, एक का इधर को होता है, बैठे नहीं होते, लेटे होते हैं। तो वो दोनों तो एयरबोर्न हो गए, उड़ गए, लेकिन बच गए। और ड्राइवर जो है वो प्लेट लगा हुआ था जो सॉलिड लोहे का, ड्राइवर भी, वो प्लेट भी टूट गया और ड्राइवर बस से बाहर, उसी प्लेट के कारण वो ड्राइवर बच गया। और अंदर अराउंड 42 या 43 कैजुअलिटी हुई उसमें, फेटल। स्कॉर्पियन का बच्चा पाया गया है। पहली बार देखा मैंने। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन उत्तराखंड। और नैनीताल से 40 किलोमीटर ऊपर, जगह का नाम मुझे अभी भी नहीं याद। Anyhow, कैंप अगस्त्या करके रिजॉर्ट एकदम हिल टॉप पे बना हुआ। तो ये कुछ कैंप्स बने हैं 3-4, वो कुछ रूम्स हैं। तो मेरा कैंप था, मेरा एंड अपने साथ दुर्गेश का, प्रेडेटर्स कैंप। अब शेरों को ठहराया है अंदर, देखो निकलाएगा भी सो गए। जिन शेरों को ठहराया है अबे साले, उनके लिए नाम बिल्कुल सही है। अंदर से टेंट भी दिखा देते हैं आपको हल्का फुल्का से, वैसे ऐसे ही होते हैं सारे कैंप। ठीक है जी, ये अपना सामान फैलाया हुआ है, ये पंखा लगा रखा है, ये चार्जिंग के लिए लाइट भी है, ये सामने लगा रखी है, होनी चाहिए थी ऊपर, ऊपर शायद लग नहीं सकती क्योंकि फट्टे में लगी है। सो ये अनएक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड था कि इतना प्यारा वॉशरूम भी हो सकता है यहाँ पे। वैसा ये गर्म पानी भी आ जाता है यहाँ से, क्या बात है। सो सिंपल, सोबर एंड क्लीन कैंप है ये। अब सबसे लेट उठे हैं हम, क्योंकि मैंने, राघव भाई एंड मेहुल ने लाइव टॉक्स करी और मज़ा आ गया जी बात करके। बड़े टाइम बाद ऐसे किसी से बात करने का मौका मिला, तो रिलैक्स हो जाता है माइंड जब आपके अंदर की बातें बाहर निकलती है ना। ओके ओके, एक बार सन किस्ड हो जाए हम थोड़ा सा। अरे आज वो शिकारी आ गया है। मेरे टेंट का नाम भी प्रेडेटर्स केव है। अगर उसमें नहीं लगा ना बीच में, नाम बदल देंगे तो पागल दूंगा मेरा। ये तो तेरी फिक्स में खा रही है। फोन में ला रहा सिद्धू मुझसे, औरत ताड़ी सत पागल दू। अच्छा अच्छा अच्छा। So boys and girls, are you ready? मजा आने वाला है अभी आधे घंटे की ट्रेल पे। और अगर आपको गिरने का शौक है या आप एंटीसिपेट कर रहे हो आप गिरोगे, तो प्लीज मेरे आगे रहना, फिर तो मेरे पीछे चलना। चलो घर चलो, चलो शाबाश। बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लग रहे हैं यार, साउथ के हीरो लग रहे हो। तो ये मच्छी वाला वो तारीफ कर रहे। बाय 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 बाय। क्या हुआ? 2 मिनट में फट गई, या तो क्लच वायर गया या तो घेर गया। ये अगर YouTube रिकॉर्डिंग में नहीं आया तो गलत होगा। अभी तो डिस्कशन होगी फ्रेंच में, स्पेशल इंटरव्यू होगा आपका। ओहो, ये नज़ारा तो देखा ही नहीं जी। सुंदर ही सुंदर हैं ये पहाड़ उत्तराखंड के भी। अरे क्या ही नज़ारा है भाई साहब, देखिए तो सर आप। ओहो, ये है ना शॉट डालने वाला। ओहो गजब। नहीं जिन्ना मेरी हसल पता है। पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड। कल लैपटॉप खोलना है, वो अभी मेरे दिमाग में है। जस्ट इतना सुंदर ही नज़ारा देख के बताओ क्या ही दिमाग है। जैसे कुछ पॉजिटिव दिखाता है उल्टा नेगेटिव भी दिखा देता है। माइंड आई हेट यू बट आई लव यू। हरी बाजी के पीछे पड़ गया है। हाँ क्या हो गया? टंकी फुल करवा लिया दोबारा। दिल्ली से मैं 1200 रुपये में फुल करवा के आया था और अभी भी मेरा रिजर्व नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैंने भरवा लिया। 600 रुपये का भरवाया, अंदाजन बोला कि 600 भर दो और 600 पे टंकी फुल हो गई। तो मुझे लगता है 1800 रुपये के पेट्रोल में अपन पहुंच जाएंगे आराम से। तो कैंची धाम में जिस मंदिर में हमने कल दर्शन करे थे, ये रहा परम पूज्य बाबा श्री नीब करौरी महाराज का मंदिर। आज संडे का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आ रखा है। अरे भाई हालत ख़राब हो गई, पसीना आना स्टार्ट हो गया। दुर्गेश गिर गया। वो ट्रक ने ना बहुत इधर से मोड़ा। ये दुर्गेश की बाइक जरा गिर गई, थोड़ा रुक के चलना। ओके रुके। एक्चुअली हुआ क्या, ट्रक आया ना, मेरे को जगह नहीं मिली। ये भाई मोड़ बड़ा डेंजरस है। ये भी ठीक है, इसमें सारी चाबियाँ हैं हर नंबर की। 25, 20, 15, 10, 9। क्लच ढीला हो गया है। ओह माय गॉड, मौसम हो गया है सुहाना। और ये भीमताल वाली नदी देख लो। अब नदी है लेक, आई डोंट नो, यही नैनीताल तक जाती है। ब्यूटीफुल। ओ नदियों पार सजन दा ठाणा। ये मौसम देख के हिल स्टेशन वाली फील आती है। जब तक कोहरा ना हो, ऐसी नदी ना दिखे और छाती पर ठंडी हवा ना लगे, ठंडी ठंडी सी नैनीताल को मारे। सो फर्स्ट शॉर्ट ब्रेक लिया है ब्रंच की भीमताल में। ये नज़ारा देखो मेरे पीछे। ओए हाय हाय, वो देखो, वो जो पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। रोड जा रही है, ब्यूटीफुल। दोस्तों मैंने ऐसा सुना था, बियर का जो नशा होता है उसमें बंदे का पार्टी करने का मन करता है, नाचने का मन करता है। विस्की और रम का जो नशा होता है उसमें बंदे को गम बनाने का मन करता है। लेकिन एक ऐसा भी नशा होता है, ये खासकर राइडिंग कम्युनिटी में पाया जाता है, कि बंदा ब्रेक को गियर समझने लगता है और गियर को ब्रेक। प्लीज हमें भी प्लीज ये नशा थोड़ा सा। क्या हुआ कि गियर दूसरी तरफ आ गया एकदम सीरियस होके। ये गियर नीचे नहीं हो रही, फिर गियर नीचे। ये फर्स्ट में तो है, उसके ऊपर नहीं आ रही। इसका मतलब वो नीचे जाके उसका एक्चुअली ट्राई कर रही थी उठाने का, ब्रेक को ऊपर उठाने की कोशिश थी। और ऐसा भी नहीं कि हम बड़ी सुबह से राइड, रात से राइड कर रहे हो, थके हारे तो बंदे का दिमाग कुछ फ्रेश फ्रेश 5 मिनट नहीं हो, राइड स्टार्ट हो रहा है। आठ नवंबर को गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, गुरपुरब है, तो इसलिए नगर कीर्तन निकल रहा है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। पूरे यूनिवर्स पे गुरु नानक की कृपा है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एक टेंशन की बात है कि खुशबू जी फिर गिर गई है। देखा आपने, यही गुरु नानक की कृपा है कि गिरते हैं हम लेकिन हमें कुछ नुकसान नहीं होता है। वाहेगुरु वाहेगुरु। चलो क्या बात है यार, छोटे हाथी को फेल कर दिया यार। चलो थार वाले ने शायद एकदम से कट मारा या ब्रेक मारी और उन भाई साहब ने सामान जो इतना ज़्यादा डाल रखा है बाइक पे, उस वजह से उनकी बाइक कंट्रोल नहीं हुई और भाई साहब गिर गए। तो कहानी बस यही है। इतनी ऊंची बाइक है, हल्की सी डिसबैलेंस होती है तो फिर नीचे ही गिरती है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बाइकर्स का ग्रुप देख के ऐसे छोटे शहरों के लोग इतनी बुरी तरह घूरते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। और खास कर जब आपके साथ एक दो लड़कियाँ राइड कर रही हैं तब तो पागल ही हो जाती है कि भाई क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जैसे बस से देखो सारे मुंडी अपने पीछे करके ही देख रहे हैं। ई का चीज़ है वाह। ये देखिए जो स्प्लेंडर वाला है ये हमारे बीच में बाइक चला रहा है रेस लगा रहा है। अभी रूपा जी ने इसको थोड़ा इशारा करके दूर भगाया। एकदम मेरे आगे था ट्रक। ओह माय गॉड, मैंने एकदम से रॉन्ग साइड से लेकर दूसरी रोड पर निकाल के काट कर लेकर आया। हनेरा हो चुका है तो इसलिए अब स्पीड भी हमने अपनी कम कर दी है और लाइन से चल रहे हैं, कोई अपनी लाइन तोड़ नहीं रहा है। 20 किलोमीटर से रिजर्व पे चला रहा था मैं और फट गई भाई सही में कि ख़त्म ना हो जाए पेट्रोल। पता नहीं यार, सुबह तो फुल कराई थी टंकी, चांस की बात है कि ऐसे ख़त्म हो गया। 600 डाल दो, 600 बोला है, उसके ऊपर ही भरा है। हाँ जी, तो अगर आपने कैंची धाम राइड की दोनों वीडियोस मेरी देख ली हैं तो ये आखिरी का 1 मिनट भी सुन लो और देख लो। मुझे हर बंदा हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, ये मैंने रियलाइज करा अपनी इस ट्रिप पे। जितने भी लोग, जितने भी राइडर्स मेरे साथ गए थे, उन्होंने जाने अनजाने में अपनी लाइफ की क्वालिटीज मेरे साथ शेयर कर दी एंड जिस वजह से मेरी ये 1 दिन की ट्रिप भी बहुत मज़ेदार बन गई। अब इस वीडियो का आउट्रो मैंने शूट तो करा था, हु हाँ करा था, टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में मिलेंगे, ये सब करा था, बट मुझे वो डाल के सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, तो इसलिए मुझे ये वाला आउट्रो शूट करना पड़ रहा है। सो थैंक यू सो मच सब राइडर्स का जिन्होंने अपनी लाइफ का वो पार्ट मेरे साथ शेयर करा जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड उस वजह से मैं अपने आप को एंड अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू आपका भी अगर आपने मेरी दोनों वीडियोज़ देखी है। अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं, बट जाने से पहले एक आखिरी बात मैं बोलूँगा। This is what travels give you, learning and experience, and not just images and videos. Signing off, the Alphasec. Bas, 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 police aa jayegi. Let's go.